आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM Production। आज अपने वनवास में पांडव इस बात का साफ अंदाजा लगा सकते थे कि आने वाले युद्ध में द्रुपद उनके साथ खड़े होंगे और द्रोणाचार्य सामने, जबकि कभी हालात बिल्कुल उल्टे थे, क्योंकि पूरे आर्यावर्त में दो बड़े पावर हाउस थे, हस्तिनापुर और पांचाल। इसलिए पांडवों के द्रुपद को पकड़ के लाने की खबर आग की तरह फैल गई। मैं द्रोणाचार्य के मन में जल रही प्रतिशोध की आग का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, वो आग जिसने कुरुक्षेत्र का युद्ध भी देखा है और मन के भीतर चलने वाला युद्ध भी। मैंने देखा है जब पांडव पांचाल नरेश द्रुपद को बांधकर द्रोणाचार्य के सामने ले आए, तब वो अपना सिर तक नहीं उठा पा रहा था। अब प्रतिशोध की आग में सुलगते हुए द्रोण की बारी थी। याद करो पांचाल नरेश, याद करो, याद करो वो दिन जब मैं एक दीनहीन याचक बनकर तुम्हारे पास आया था और तुम पांचाल के ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। याद है तुमने मुझे दरिद्र ब्राह्मण कहकर कैसे हमारी मित्रता की हंसी उड़ाई थी। आज मैं तुम्हारा बंदी हूं द्रोण, और तुम मुझे क्या दंड देने वाले हो मैं ये भी जानता हूं। नहीं द्रुपद, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे हमारी मित्रता कलंकित हो। तो अभी भी कुछ शेष है करने को? शेष तो बहुत कुछ है पांचाल नरेश, पर मैं बस तुम्हारा वो अहंकार छीनूंगा जिससे तुमने मुझे भरी सभा में अपमानित किया था। तुम्हारे धन वैभव ने ही हमारे बीच दीवार खड़ी की है ना, तो आज मैं उस दीवार को ही गिरा दूंगा। मेरा मित्र बने रहने के लिए तुम्हें मेरी बराबरी पर आना होगा द्रुपद। तुम्हें अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। ठीक है द्रोण, मैं प्रशत पुत्र द्रुपद अपना आधा राज्य अर्थात उत्तर पांचाल तुम्हें समर्पित करता हूं। अब अगर स्वाभिमान ही चला जाए तो इंसान इंसान कहां रह जाता। द्रुपद ने न केवल आधा पांचाल खोया, अपना स्वाभिमान भी खो दिया। द्रोण के हाथों हुए इस अपमान ने उसे पागल सा कर दिया। वो बार बार अपने आप को धिक्कारता और फिर बेहोश हो जाता। उस नीच द्रोण ने मेरे स्वाभिमान को पैरों तले रौंदा है, मेरी आत्मा को कुचला है उस द्रोण ने। शांत हो जाइए महाराज, आप विश्राम करें। विश्राम? मैं उस निर्धन ब्राह्मण के शिष्यों से हार गया महामंत्री, जिनके पांव अभी पालने से भी बाहर नहीं निकले थे, उनसे हार गया मैं। जन्म जन्म के भिखारी के शिष्यों से हार गया मैं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, धिक्कार। हे ईश्वर, महाराज फिर मूर्छित हो गए। कोई जल, जल लाओ कोई। महाराज ये जल, जल ले महाराज। पंखा करो दासी, आंखें खोलिए महाराज। विश्वास रखिए, हम द्रोण से प्रतिशोध लेंगे। कहां है वो, कहां है? कौन, आप किसे ढूंढ रहे हैं महाराज? वही जो मुझसे भिक्षा मांगने आया था। कहां गया वो दुष्ट ब्राह्मण? ये क्या कह रहे हैं महाराज, यहां तो कोई नहीं आया। तुम्हें दिखा नहीं वो दरिद्र? दिखा नहीं? कैसे नहीं दिखा तुम्हें? जिस राज्य के महामंत्री को पता नहीं कि कौन आया कौन गया, उस राज्य को कौन बचाएगा? आप शांत हो जाइए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा।
अनर्थ कर दिया आपने आचार्य, अनर्थ कर दिया। परंतु ऐसा क्या हो गया पितामह? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने आपको कुमारों की शिक्षा के लिए रखा था आचार्य, किंतु आपने अपने शिष्यों को हथियार बना दिया। पांचाल राज से अपने व्यक्तिगत बैर को हस्तिनापुर तक ले आए आप। आपने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी और उन्होंने अपने प्राणों पे खेल के दक्षिणा दी भी, किंतु क्या आपने एक बार भी विचार किया इसके बाद क्या होगा? मैंने जो भी किया पितामह, एक आचार्य के रूप में ही किया। असत्य, असत्य है ये। जिस हस्तिनापुर को मैंने अपने रक्त से सींचा, जिसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आज वही हस्तिनापुर युद्ध का अखाड़ा बन गया, भाई भाई का शत्रु हो गया। किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पितामह। क्या द्रुपद हमारे पुत्रों के उस दुस्साहस को भूल जाएगा? क्या वो हस्तिनापुर से प्रतिशोध नहीं लेगा? और क्या इसके बाद कौरव और पांडव कभी एक हो सकेंगे? ये तो भविष्य ही तय करेगा पितामह। तय हो चुका है आचार्य, तय हो चुका है। यदि पांचाल नरेश का यह अपमान महायुद्ध लेकर आया तो इसके कारण केवल आप होंगे, आप। शिखंडिनी, क्या हो रहा है ये? किसने कहा तुम्हें नृत्य करने को? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पुत्र की तरह पाला था? यही देखने के लिए तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाई थी? किंतु पिताश्री, क्या कोई योद्धा नृत्य नहीं कर सकता? महादेव महायोद्धा है और महानर्तक भी। महादेव का नाम लेकर अपने स्त्रुत्व को मत छिपाओ। इसमें छिपाना क्या है पिताश्री? क्या ये असत्य है कि मैं स्त्री के रूप में जन्मी हूँ? किंतु मैंने तुम्हें एक पुरुष के समान पाला। आपकी इसी भूल का दंड तो झेल रही हूँ मैं। आपने अपने अंदर जल रही प्रतिशोध की अग्नि को बुझाने के लिए प्रकृति को नकारा है पिताश्री। आपने ऐसे सच को नकारा है जिसे मैं साथ लेकर जन्मी थी, पर आपने मुझे पुरुष बनाने की चाह में ना स्त्री रहने दिया ना घृणा होती है मुझे अपना ये रूप देखकर। शिखंडी, शिखंडी नहीं पिताश्री, मैं शिखंडी नहीं हूँ, आपकी पुत्री शिखंडी नहीं। इसे आप वैसे भी प्यार कर सकते थे जैसे वो जन्मी थी, पर नहीं, आपने तो स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए मेरा एक स्त्री का दूसरी स्त्री से विवाह भी करा दिया। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, वरना 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 क्या पिताश्री, मेरा वध कर देंगे? ये तो आपको मेरे जन्म के साथ कर देना चाहिए था पिताश्री। मुझे जीवित रखकर आपने पल पल मेरा वध किया है, हर क्षण मरने के लिए विवश किया है मुझे। धिक्कार है जो मैं तेरी जैसी संतान का पिता हूँ। हे ईश्वर, ये आप किस अपराध का दंड दे रहे हैं मुझे? मैं बताती हूँ पिताश्री, आपको मेरे पिता होने का दंड नहीं मिल रहा पिताश्री, मेरी पहचान छिपाने का दंड मिल रहा है। बस। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी भूल का दंड अपनी पुत्री को क्यों दे रहे हैं आप? हाँ महारानी, हाँ, शायद मेरी ही भूल थी जो मैंने पुत्री को योद्धा बनाने का स्वप्न देखा। पांचाल का उत्तराधिकारी बनाना चाहा इसे, पर ऊपर आकाश में बैठा वो ईश्वर जाने कौन सा खेल खेल रहा है मेरे साथ। पर महाराज, यदि पुत्र वीर हो सकता है तो पुत्री भी तो वीरंगना हो सकती है। नहीं महारानी मनसा, नहीं। मृदंग की ताल पर थिरकने वाले पैर
उस अभिमानी द्रोण का सीना नहीं कुचल सकते। मैं भाग्य के सामने विवश हूँ। आप विवश नहीं हो सकते महाराज, आप कभी विवश नहीं हो सकते। मैं विवश हूँ महारानी, जैसे उस द्रोण ने पांडवों को भेजकर मुझे बंदी बनाया। यदि मेरा पुत्र होता तो वो भी वैसे ही उसे बंदी बनाकर मेरे पैरों पर गिरा सकता था, पर शिखंडनी को पुत्र मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। और आपकी उससे भी बड़ी भूल, उसे पुरुष बताकर उसका विवाह करना है महाराज। अब जो होता है हो जाए, अपने प्रतिशोध के लिए मुझे पुत्र प्राप्त करना ही होगा। महादेव मुझे पुत्र चाहिए, महादेव मुझे पुत्र चाहिए, ऐसा पराक्रमी पुत्र चाहिए जो अकेला 5 पांडवों से भी बली, जो अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध ले सके, जो हस्तिनापुर की छाती पर सवार होकर उस नीच द्रोण के प्राण खींच लाए। महादेव मैंने आपसे कभी कोई याचना नहीं की, पर आज जीवन में पहली बार ये द्रुपद आपसे कुछ मांग रहा है प्रभु, और यदि आपने मुझे निराश किया तो मैं पांचाल पति द्रुपद अपना शीश काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा महादेव, कैसा दुर्भाग्य है। मैं पिछले जन्म में अंबा बनकर भीष्म के हाथों अपमानित हुई, और जब मैंने आपसे एक और जन्म की इच्छा की कि मैं भीष्म से अपने उस अपमान का प्रतिशोध ले सकूं, तो आपने मुझे ये शरीर दिया जिसे सबसे बस अपमान ही अपमान मिला। पिता से अपमान, पत्नी से अपमान, सारे संसार से अपमान। स्त्री के शरीर में अपमान की जीती जागती प्रतिमूर्ति बना दिया है आपने मुझे। यदि आपने मुझे केवल अपमान सहने के लिए ही पुनर्जन्म दिया है तो नहीं चाहिए मुझे ये जन्म। मैं इस चिता पे आज इस जीवन का अंत कर दूंगी, अंत कर दूंगी आज। ठहरो शिखंडिनी। कौन है आप, क्यों आए हैं यहाँ, अब और कौन सा अपमान देने आए हैं? मैं यक्ष हूँ, मैं तुम्हें इस बार बार के अपमान से उबारने आया हूँ। नहीं यक्षराज, अब मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये प्रश्न अपनी आत्मा से पूछो शिखंडिनी, क्या सचमुच तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जब मुझे अपनी इच्छाओं के बदले सदा केवल अपमान ही मिला है, और क्या देंगे आप मुझे, फिर से अपमान सहने के लिए एक और जन्म? नहीं, तुम्हें मिली अब तक की सारी पीड़ा से उबार सकता हूँ मैं। महादेव की कृपा से मैं तुम्हें शिखंडिनी से शिखंडी बना सकता हूँ, इस स्त्री शरीर के स्थान पर पुरुष शरीर दे सकता हूँ मैं। और पुरुष का शरीर पाकर क्या मिलेगा मुझे? उन सारी पीड़ाओं का अंत जो अब तक तुम्हें मिली है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें शिखंडिनी से शिखंडी बनकर अपना प्रण पूरा करना है, या अनंत पीड़ा सहते हुए चिता पर चढ़ना है। ठीक है, जब आज तक मैंने केवल छल ही पाया है तो एक छल और सही। यक्षराज, मैं शिखंडिनी से शिखंडी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यक्षराज, यक्षराज कहाँ चले गए आप? ये क्या,
ये क्या चमत्कार है, चमत्कार है। मैं शिखंडिनी से शिखंडी बन गया मैं। और इस तरह शिखंडिनी शिखंडी तो बन गया, पर एक बार फिर से उसके सामने मुश्किल आ खड़ी हुई कि क्या वो समाज उसे उसके उस रूप में स्वीकार कर सकेगा जिसने उसे शिखंडनी के रूप में जाना था। और फिर यह भी कि उसको पांचाल छोड़े हुए बरसों हो चुके थे, तब तक पांचाल में न जाने क्या क्या हो चुका था। क्या है कि ये जेंडर है तो बड़ी मामूली सी चीज, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का खेल है बस। पर कभी कभी ये खेल इतना उलझ जाता है कि लगता है इस दुनिया में इससे बड़ी मुश्किल कोई है ही नहीं। नहीं, सोच के देखिए आप। सुनते रहिए महाभारत।